अगर कभी बाकायदगी से लिखने बैठा जाए तो दिमाग खाली ड्रम की मानिंद महसूस होने लगता है, और कभी भरी बस में बैठे कंडक्टर की टिकट वसूली की आवाज़ें, गाड़ियों के शोर और ख्वातीन की सीट के लिए लड़ाई झगड़े में भी पूरी की पूरी नज़म दिमाग में मुकम्मल नज़्म ज़ब्त के साथ ऐसे उतरने लगती है कि बस अब उसकी उतरन का आखिरी वक्त आ गया है। बिल्कुल ज़िंदगी भी इसी तरह, जब आप बाकायदा कायदों ज़वाबित को फॉलो करते हुए गुजार रहे होते हैं तो सब चीज़ें उलट पलट होने लगती हैं, और जब आप सिक्वेंस नहीं होते हैं तो सब फर्स्ट क्लास रवा दवा हो जाता है। कि जैसे 12वीं जमात तक तालीम ये सोचकर हासिल की कि डॉक्टर बनूंगी और मुल्क की खिदमत में कोई कसर ना छोड़ूंगी, खैर वो तो मिला नहीं, मगर बैठे बिठाए माइक्रो में दाखिला मिल गया जहाँ जाने का कभी सोचा भी नहीं था। बड़ी ही मेहनत से पैसा लगाकर कुछ तस्वीर पेंट की या सोचकर कि एग्जीबिशन में हिस्सा लेकर सेलिंग एंड प्रमोशन दोनों होंगी, वो तो बेकार किया। देखा तो सबने, तवज्जो भी दी, सवालों जवाब भी किए, मगर ख़रीदने की किसी ने तौफीक नहीं की। वक्त पैसा सब बर्बाद और दिल आज़ारी अलग। यूं ही बैठे बैठे तंजो मज़ा के सिर्फ 5 मिनट की होने वाली ओपन माइक मुकाबले में हिस्सा लिया और इतनी पजेराई हुई कि दिल बाग बाग हो गया। रोज़ाना पूरी चाहत से दिल लगाकर थीसिस लिखती, लेकिन हर बार प्लेजरिज्म का कह के वापस कर देते। थीसिस लिखते लिखते यूं ही जहन को फ्रेश करने के लिए जगह जगह सीवी मेल कर दी। एक हफ्ते में कॉल आ गया और तो और जॉब भी मिल गई। अब कहने को सिर्फ यही रह गया है, अजीब हैं ये ज़िंदगी की बे और बाकायदगियाँ। बा हूँ तो बे मिलता है और बे हूँ तो बा मिलता है।